वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रूहानियत के केंद्र श्री दरबार साहिब हरिमंदर साहिब के अंदर रोजाना कोई ना कोई बड़ा बॉलीवुड सितारा या कोई बड़ा मंत्री माथा टेकने के लिए आया होता है। कभी हमारे देश के तो कभी किसी और देश के, कभी साउथ इंडस्ट्री के कोई ना कोई बड़े नेता या बड़े पॉलिटिशियन या कोई बड़े कलाकार श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होते हैं, और नतमस्तक होकर जब वो कुछ बोलते हैं तो वह बातें बहुत अहमियत रखती हैं हमारे लिए कि वह यहाँ पर आकर माथा टेक कर क्या बोलते हैं, क्या वह सरबत के भले के लिए अरदास करते हैं, क्या वह लोगों के भले की बात करते हैं। वीडियो के अंदर गुरलीन चोपड़ा ने जो शब्द कहे हैं उनको सुनकर आप भी तालियां बजाओगे कि गुरलीन चोपड़ा जो बॉलीवुड की अदाकारा है, पंजाबी फिल्मों की अदाकारा है, जिनकी आने वाली साउथ फिल्में, वेब सीरीज है, और इंटरनेशनल डाइटिशियन भी जो बन चुकी हैं, और उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आइए पहले इनके शब्द सुनते हैं। सब कुछ देना है माल। अजय मिंदर सर की अरदास में थी कि कुछ नहीं जी, बस सुख शांति लिए आए सारे चढ़दी कला वैसे। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੁੱਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਅਮੁੱਲੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।